एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज हम लोग जा रहे हैं आइकिया नवी मुंबई, जो यहाँ पर अभी मुंबई में रिसेंटली ओपन हुआ है। सो आई एम गोइंग टू शो यू अ कंप्लीट टूर कि वहाँ पर कैसे आप शॉपिंग कर सकते हो, बिकॉज हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। कैसे आप शॉपिंग कर सकते हो, क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल है, शॉपिंग वर्थ इट है या नहीं है, और वहाँ से मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ, और हॉल मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। लेट्स सी, अगर ज़्यादा सामान हो जाता है तो मैं डेफिनेटली अलग वीडियो में बताऊंगी, एंड अगर एक दो चीजें हम खरीदेंगे तो शायद मैं इस वीडियो में एंड में इंक्लूड कर दूंगी, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अभी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है एंड रश बहुत ज्यादा है, तो ऑनलाइन आइकिया की वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर करना होगा। वो लोग आपको एक टिकट देंगे, टिकट टोकन के फॉर्म में होगा। वो ऑनलाइन टोकन आज सुबह भी हमको आ गया था, और उस दिन जिस दिन मैंने रजिस्टर किया था, मैंने क्या 10th को ही रजिस्टर कर लिया था, उस दिन भी आपको वो टोकन मिल जाएगा। तो वो टोकन जरूर आपके पास होना चाहिए, वो मोबाइल में मेरे पास है, तो उससे एंट्री होगी। अब अंदर जाकर के देखते हैं कितने लोग हैं, कैसा है, क्या है। हम अपनी पानी की बॉटल्स भी लेकर के जा रहे हैं, एंड वी आर वेयरिंग वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स, क्योंकि मुझे इतना पता है कि काफी बड़े एरिया में बना हुआ है और वहां पर चलना बहुत ज्यादा पड़ता है। So yes, let's just get started. We finally reached IKEA. अच्छी खासी क्यू है, बाहर क्यू में रखा है, इवन गाड़ी अंदर जाने के लिए भी क्यू है। तो काफ़ी बड़े एरिया में ये बनाया हुआ है, इन लोगों ने स्लॉट्स दिए हुए हैं। तो हम जिस स्लॉट में आए हैं वो 11 से 2 बजे तक का स्लॉट है, एंड हम लोगों को लगा था कि हम काफ़ी जल्दी एंड ऑन टाइम आ गए, बट हमसे पहले भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे, एंड काफ़ी अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग थी बाहर। जब तक आप अंदर नहीं जाते हो तब तक तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखवाई है, मास्क कंपल्शन है। यहाँ पर ये लोग आपको जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, 4, 5 ऐसे। तो हम लोगों को जोन 3 मिला था, मतलब 1 2 में ऑलरेडी काफी सारे लोग थे, एंड देन फिर ये दो दो लाइंस में, जैसे जो फर्स्ट 2 रोज हैं उसमें से लोगों को भेज रहे थे, देन फिर 3rd एंड 4th रो को अंदर भेज रहे थे। मतलब डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे कि एकदम भीड़ अंदर ना जाए। यहाँ पर आपको इस तरह से हाथ में पहनने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पर 2 रोज जो हैं वो फर्स्ट पहले गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। जगह जगह पर आपको टोकन्स लगते हैं, तो टोकन्स याद से आपको आपके मोबाइल में रखना होगा। एंड ये हम आए हैं नीचे वाले एरिया में, यहाँ से आपको एक पैम्पलेट मिलेगा जिसमें पूरा स्टोर का एक मॉड्यूल रहेगा कि आपको कौन कौन से एरिया में कहाँ जाना है, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। तो जैसे दिल्ली के मेट्रो में दिया रहता है ना, उस तरह का इसमें मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं शोरूम जोन में, ये 1 to 5 शोरूम जोन है। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक तो है शोरूम कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है मार्केट हॉल कैटेगरी, एंड 3rd कैटेगरी है सेल्फ सर्विस एरिया कैटेगरी। तो शोरूम में यहाँ पर हर चीज़ ऐसे उन्होंने डिस्प्ले पर लगाया हुआ है, छोटे छोटे किचन्स बनाए हैं, लिविंग रूम कम डाइनिंग रूम बनाया है, डाइनिंग रूम कम बेडरूम बनाया है, बेडरूम कम लिविंग रूम बनाया है, क्योंकि मुंबई में यूजुअली स्पेस काफ़ी कम होता है घरों में, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले की हुई हैं चीज़ें एक आइडिया देने के लिए। साथ ही साथ अगर आपका थोड़ा लग्जरी अपार्टमेंट है एंड यू वॉन्ट समथिंग यू नो फॉर बड़े रूम्स के लिए आपको चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है। आपको करना क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, इस तरह से उसमें टैग लगा हुआ है, आपको उस टैग की फोटो क्लिक कर लेनी है और अपने पास रख लेना है। यहाँ पर शोरूम एरिया में आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ ये एक आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या सामान अवेलेबल है और उस सामान से आप किस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, किचन को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, वो सब आइडियाज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम एंटर हो रहे हैं लिविंग रूम एरिया में, ये शोरूम का ही एक कैटेगरी है, तो हम सबसे फर्स्ट कैटेगरी में एंटर हो रहे हैं लिविंग रूम। तो यहाँ पर आपको लिविंग रूम में रखने वाली जो भी चीज़ें होती है वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी के सोफे मिलेंगे, आपको आर्म चेयर मिलेगी, विंग चेयर्स मिलेंगी, आपको साइड टेबल्स मिलेंगे, सेंटर टेबल्स मिलेंगे, मतलब जो भी आप लिविंग रूम में रख सकते हैं साइड टेबल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत चीपेस्ट रेंज का सोफा भी आपको मिलेगा, 2 ये प्लास्टिक का है बट स्टिल आपको, और आपको जो भी पसंद आता है आप उसके टैग का फोटो ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको TV यूनिट्स मिलेंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है लिविंग रूम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ अगेन आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ ये डिस्प्ले देखने के लिए आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसकी पिक्चर क्लिक करके रख लीजिए। सपोज ये एक साइड टेबल है, इसको आप एज ए सेंटर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, तो और इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब ये कैसा दिखेगा सेंटर टेबल में, ये यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। इफ़ यू लाइक इट द आइडिया, आप इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद ये सोफ़ा है, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप ये देख सकते हैं, एंड इसी के 3 और वेरियंट्स हैं। तो हर सोफ़े के काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिए हुए थे ऑलरेडी, काफ़ी मतलब डिस्प्ले इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ था।
नाउ कमिंग टू दिस एरिया, यह पूरा पूफ एंड स्टूल्स आप बोल सकते हो वो वाला एरिया था. काफ़ी वेराइटी ऑफ स्टूल्स एंड स्टोरेज स्टूल्स एंड पूफ था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे थोड़े से ये वाला जो सेक्शन था ये थोड़ा ओवर प्राइज लग रहा था. आप इसको पेपर फ्राई एंड बाकी जगह भी कंपेयर करके ही लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ी ओवर प्राइज थी. यहाँ पर शेल्व्स का एरिया आ चुका है, बहुत अमेजिंग शेल्व्स थी, शेल्व्स वर वेरी वेरी गुड. अब ये जो यूनिट है ये मुझे दूर से देखने में लग रहा था कि वुडन यूनिट है, बट एक्चुअली में ये मेटल का यूनिट था, आयरन की थी, बट इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी हुई थी कि दूर से देखने में आप कह ही नहीं सकते हो कि ये मेटल है कि वुड है. तो कुछ चीज़ें एक्चुअली में काफ़ी अच्छी थी, बिल्ट उनका बहुत अच्छा था. तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ये सेल्फ सर्विस एरिया से पिक कर सकते हैं, तो आपको पिक्चर क्लिक कर लेना है. अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे शेल्व्स थे, अलग अलग साइजेस में शेल्व्स थे, तो जो जो भी हमको पसंद आ रहा था हम लोग उसका पिक्चर इस तरह से क्लिक करके रख रहे थे. यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरह के बुक शेल्फ्स थे, लैडर स्टाइल में, बहुत सुंदर सुंदर थे और अफोर्डेबल रेंज के भी थे. मतलब कुछ के तो प्राइस ऐसे थे कि 1990 वुडन शेल्फ, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज में है. वुड शेल्फ आपको मतलब इतने सस्ते प्राइस में मिल रही है, तो काफ़ी ह्यूज वेराइटी है. बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लेके आइएगा. एंड मैं तो बोलती हूँ फर्स्ट स्लॉट में आना ही ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज एक्चुअली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. अब अगेन हम एक किचन सेक्शन में आ चुके हैं कि किचन, छोटा किचन के अंदर अगर डाइनिंग है तो वो कैसे हो सकता है, कैसे लिविंग रूम हो सकता है. ये हम आर्म चेयर एंड विंग चेयर के सेक्शन में आ गए हैं. फिर उसके बाद हम आ गए हैं फर्निशिंग्स पे. फर्निशिंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड ओवर प्राइस लगी है, एक्सेप्ट दीज थ्रो थोड़े सस्ते थे. अब हम आ गए हैं डिस्प्ले लिविंग कम डाइनिंग रूम में. ये थोड़े बड़े एरिया में बनाया हुआ है. ये जो लिविंग रूम है ये भी उन्होंने थोड़े बड़े एरिया में बनाया है, लिविंग कम डाइनिंग एरिया कम किचन. देन ये इस शेल्फ की मैं बात करी थी, बुक केस की 1990, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है. तो काफ़ी सारा बुक केसेस या क्रॉकरी यूनिट बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है उसकी बहुत ह्यूज वेराइटी थी. देन लैम्प्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, तो यहाँ पर मैं आपको सब शो कर रही हूँ. देन दिस वॉज द किचन, जो बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा था. मुझे नहीं पता स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, बट इतना ब्यूटीफुली उन्होंने ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट किया था उसको. देन काफ़ी आइडियाज़ ये हुए थे बेडरूम के, कैसे आप डेकोरेट कर सकते हो, मतलब छोटी जगहों को भी आप कैसे सुंदर बना सकते हो, इन शॉर्ट उन्होंने यहाँ बताया था. अब हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया के सेक्शन में. यहाँ पर आप सेल्फ डाइनिंग एरिया, खुद डाइनिंग टेबल आप खुद का सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का डाइनिंग टेबल बिल्ड कर सकते हैं. आपको किसी की चेयर पसंद आ रही है, किसी का टॉप पसंद आ रहा है, किसी का बेस पसंद आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लीजिए. जो थोड़े से अफोर्डेबल रेंज के डाइनिंग टेबल्स थे, आई वुड से वो बहुत स्टर्डी नहीं थे, बट हाँ अगर आपको लगता है कि आप काम चला सकते हैं इसके साथ, तो यू कैन बाय इट, यू कैन गो फॉर इट एज वेल. ये एक काफ़ी अच्छा डाइनिंग टेबल लग रहा था हम लोगों को, जो कि स्पेस सेविंग डाइनिंग टेबल था और काफ़ी सारी चेयर्स थी. आप किसी के भी साथ किसी को भी मिसमैच कर सकते हो, ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर. तो ये अगेन इन्होंने किचन एरिया को डिस्प्ले किया हुआ है विद कलर कॉम्बिनेशंस. आप वॉल पे कैसे कलर्स कर सकते हैं और कैसे आप अपना किचन को डेकोरेट कर सकते हैं. तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले एरिया था, मतलब आप सोचिए हम अभी तक डिस्प्ले एरिया में ही घूम रहे हैं. मतलब ये हमको डिस्प्ले एरिया कवर करते करते 2 बज गए थे, मतलब इमेजिन द टाइमिंग, हम 11 से 2 o'clock तक डिस्प्ले एरिया में थे. यहाँ पर काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स हैं. वार्डरोब की बहुत अच्छी वेराइटी है और ह्यूज वेराइटी है, एंड आई वुड से वार्डरोब्स यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगी. सो येस, वार्डरोब्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था. ये हम बेडरूम डिस्प्ले जोन में आ चुके हैं. तो यहाँ पर बेड साइड टेबल्स, बेड बेडिंग और बेड उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप बेडरूम में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कैसे उसको डेकोरेट कर सकते हो, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है. कैनोपी के साथ दिया हुआ है, मतलब बहुत अलग अलग वेराइटी से बताया हुआ है. यहाँ पर सारा बेडिंग का सेक्शन है. नाउ वी आर एट चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के सेक्शन में. बहुत ह्यूज कलेक्शन था चेस्ट ऑफ ड्रॉर का, एंड यहाँ के चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे. मतलब 3,000 में आपको चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स मिल जाएंगे वुड के, वो भी स्लाइडिंग वाले, मतलब इट्स वेरी वेरी चीप, बहुत ज़्यादा चीप है ये. 5,000-5,000 में, 7,000-7,000 में लोकल मार्केट में इतना सस्ता चेस्ट ऑफ ड्रॉर डेफिनेटली नहीं मिलता है. उन्होंने जो वुडन फर्नीचर में वुड यूज़ करी है वो मोस्टली प्लाईवुड यूज़ करी है, जो कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती है. अब हम आ गए हैं किड सेक्शन में. तो किड सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड बहुत ह्यूज वेराइटी थी. एंड येस, इट वॉज स्लाइटली ओवर प्राइज्ड, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज लगा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इवन आप नॉर्मल मार्केट में जाते हो तो भी इतना महंगा नहीं मिलता है. तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी. अब हम आ गए हैं मार्केट हॉल एरिया में. ये रेस्टोरेंट के बाद है, मतलब
मतलब शोरूम के बाद रेस्टोरेंट आता है, उसके बाद हम रेस्टोरेंट में नहीं गए बिकॉज बहुत लंबी क्यू थी, तो हम मार्केट हॉल एरिया में डायरेक्टली आ चुके हैं। यहाँ से आप चीज़ें शॉप कर सकते हैं, आपको ट्रॉली मिलेगी बाकायदा, आपको जो जो भी चीज़ें पसंद आती हैं वो आप अपने ट्रॉली में रख लीजिए। छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पर सब मिलेंगी, किचन रिलेटेड एरिया मिलेगा, तो किचन में के लिए यहाँ पर काफ़ी प्लास्टिक मटेरियल भी था, काफ़ी स्टील मटेरियल भी था, काफ़ी ग्लास मटेरियल भी था, नॉन स्टिक मटेरियल भी था, तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या चूज़ करना है। जो भी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं वो डिस्प्ले में बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या काम आती है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। एंड अब हम आ गए हैं स्टील सेक्शन में, तो जो यूटेंसिल्स थे, जो हैवी यूटेंसिल्स थे वो तो अगैन उतने ही एक्सपेंसिव थे, बट जो थोड़े लाइट वेट यूटेंसिल्स थे स्टील के वो थोड़े अच्छे प्राइजेस पे थे। बट मेरे पास स्टील का सब कुछ ऑलरेडी, मैंने लास्ट ईयर ही चेंज किया है, तो मैंने कुछ भी लिया नहीं यहाँ से। कास्ट आयरन की काफ़ी वैरायटी थी, ग्लास की काफ़ी वैरायटी थी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर प्लास्टिक थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत यूटेंसिल्स एंड डब्बे डब्बियाँ थे, तो इट्स बेटर टू अवॉइड प्लास्टिक। ऑप्शन दिया है उन्होंने प्लास्टिक का भी, बट आप वो अवॉइड करके अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि स्टील एंड ग्लास में काफ़ी सारी वैरायटी थी। देन अब हम आ चुके हैं, अगेन हम किचन एरिया ही देख रहे हैं, नाउ अब हम आ गए हैं ये वाली क्लोदिंग सेक्शन, फर्निशिंग बोल सकते हैं आप इसको। तो ये फैब्रिक है, मीटर से मिलता है आपको, इसका बेडशीट बनाना है, कर्टेन बनाना है, जो भी बनाना है आप वो ले सकते हैं। ये थ्रो थे, देन अगेन यहाँ पर कुशन कवर्स, पिलो कवर्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मुझे वो इतने ठीक नहीं लग रहे थे। ये बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगी थी, 1200 1500 999 रुपए की बेडशीट थी। यूजुअली आपको डिस्काउंट पे, अदरवाइज अमेजन मिंत्रा पे आपको 500 रुपये 600 रुपये में किंग साइज़ बेडशीट आराम से कॉटन की मिल जाती है, तो वो मुझे यहाँ पर थोड़ी कॉस्टली लगी। जो यहाँ पर लैम्प्स की वेराइटी थी वो मुझे बहुत ओवर प्राइस लगी थी, काफ़ी एक्सपेंसिव लैम्प्स भी थे यहाँ पर। लाइटिंग्स का जो सेक्शन था वो महंगा था, जो प्लास्टिक वाले मटेरियल के थे वो बहुत सस्ते थे, 200 400 500 के, बट जो अच्छी क्वालिटी के थे वो सब बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे एंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे, तो काफ़ी ह्यूज एरिया था। देन अब हम आ गए हैं रग सेक्शन में, रग्स की वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड प्राइस वाइज भी मुझे काफ़ी सही लग रहे थे, बट मैंने लिए नहीं यहाँ से। अब हम आ गए हैं प्लांट सेक्शन में, यहाँ पर फेक प्लांट एंड ओरिजिनल प्लांट का बहुत बड़ा एरिया है, फेक प्लांट्स भी बहुत काफ़ी रियल जैसे लगते हैं एंड ओरिजिनल प्लांट्स की क्वालिटी एंड उनका जो भी प्लांट की कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड फ्लावर प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा था। बट यहाँ पर उन्होंने प्राइस डिस्प्ले नहीं किया था, तो मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि इनका प्राइस क्या है, और बिलिंग काउंटर पर शायद वो डायरेक्टली प्राइस बताएंगे या जो भी है, बट यहाँ पर प्राइस डिस्प्ले नहीं था, तो मुझे ये नहीं फिगर आउट हो पाया कि सस्ते हैं कि महंगे हैं कि किस रेंज के हैं, बट हाँ काफ़ी ब्यूटीफुल थे। बहुत सारी कैंडल स्टैंड, जो फेक फ्लावर्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा प्रिटी से थे, पेस्टल कलर्स में थे। हम आ गए हैं सेल्फ सर्विस फर्नीचर एरिया में, एंड ये बहुत बड़ा सा गोडाउन स्टाइल फर्नीचर एरिया था, तो आपने जो भी पिक्चर्स क्लिक करी हैं वो अगर आप चाहें तो वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, एंड अदरवाइज़ आप खुद से ही देख लीजिए कि वो कौन से एरिया में, वो वहाँ पर मेंशन्ड होता है कि सपोज़ रो दी रहती है ऊपर, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, तो उसमें रो 1 में अगर जैसे 1 2 3 4 5 6, तो रो 1 का 16th नंबर में आपका प्रोडक्ट है, तो आप रो 1 में जाएंगे, 16th नंबर का प्रोडक्ट उठाएंगे और वो अपने ट्रॉली में रख लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर सेग्रीगेट किया है। देखिए ये सब सामान रुचि जी ने लिया है, और अभी मैं कह रही हूँ कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में फिर से आएंगे। आएंगे नहीं, आएगी, मैं तो कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर, जीवन में सच बता रहा हूँ, मेरा आज का हो गया डिसाइड, आज के बाद मैं इस जगह कदम भी नहीं रखूंगा। आई कांट टेल यू कि मैंने इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स देख करके मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। नो डाउट प्लांट्स महंगे हैं, बट क्वालिटी इतनी सही है कि मैं क्या बताऊँ, तो मैं किसी को पकड़ के लेकर जाऊंगी। तो ये हम लोगों ने बिलिंग करवा लिया है, बिलिंग में भी अच्छी खासी क्यू थी एंड काफ़ी कुछ सामान खरीदा है, जिसका हॉल मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो हो गई है हमारी शॉपिंग और हम घर जा रहे हैं, बहुत तगड़ी शॉपिंग हुई है, ओह मुझे तो बहुत मज़ा आया, बट मेरे पैर मतलब वाट लग गई है। हम बाहर निकले हैं 4:30 बजे, जिसमें से अभी मैंने कम से कम 2 सेक्शन की चीज़ें छोड़ी है। प्लांट्स वाला सेक्शन मैंने छोड़ा है, रियल प्लांट्स मैंने छोड़े हैं, मेरे को रग लेना था वो सेक्शन मैंने छोड़ा है, तो मैंने 2-3 चीज़ें लिटरली ड्रॉप करी हैं। सो काफ़ी बड़ा है, अच्छे से पेट भर के आइएगा, बिकॉज यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो तो बाप रे बाप, इतनी लंबी लाइन थी कि कोई पूछो ही मत। मतलब हम तो बहुत अच्छा हुआ कि हम ब्रेकफास्ट घर से करके गए, तो आप ब्रेकफास्ट घर से करके जाओगे ना तो आपको एक बेस रहेगा। सो यस, काफ़ी मज़ा आया मुझे तो।
बहुत बड़ा था और बहुत रश था, कोविड के बावजूद बहुत रश था। यस, शॉपिंग हॉल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खरीदी हैं। सो अब मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।